आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने चैनल पे व्यू कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरा YouTube पर 2015 से चैनल है और मैं इस पर रेगुलर वीडियो अपलोड करता था, लेकिन मुझे YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में नहीं पता था और इस कारण मुझे जब पता चला तो मैंने यूट्यूब पर जो 200-250 वीडियो अपलोड किए थे 2015 से लेकर 2019 के बीच में, वो मैंने सब डिलीट कर दिए। उसके बाद मैंने 2019 से यूट्यूब पर कंटिन्यू रहा और उस पर मैंने कुछ काफी वीडियो बनाए हैं, मेरे कुछ वीडियो वायरल भी हुए हैं और कुछ नहीं भी चले हैं। तो मैंने 2019 से लेकर 2022 तक 3 साल के अनुभव में काफी कुछ सीखा है, वही अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं ऐसी सेटिंग आपको बताने वाला हूँ, इस आप लोग ये गलती करते होगे कि आप जब वीडियो पब्लिश करते हो तो उससे पहले ये गलती करते होगे, तभी आपका वीडियो वायरल नहीं होता, आपका वीडियो सही ऑडियंस के पास नहीं पहुँचती है। तो आज मैं वो चीज भी बताऊंगा। और दोस्तों, जब आपके चैनल पे व्यू नहीं आते हैं तो आप टेक चैनल वालों के वीडियो भी देखने लगते हैं कि अपने चैनल पे कैसे व्यू बढ़ाएं। तो वहां पर आपको कई टेक चैनल वाले बोलते होंगे कि आप चैनल पे ये 2 सेटिंग कर लीजिए, आपके व्यू बढ़ जाएंगे। और उसके बाद आप वो सेटिंग अपने चैनल पे करते हैं, वीडियो में करते हैं, लेकिन आपके वीडियो पर व्यू नहीं आते तो आपको काफी गुस्सा आता है इस चीज को लेकर, क्योंकि उन लोगों ने दावा किया होता है कि आप ये 2 सेटिंग कर लेंगे तो आपके 1 दिन के अंदर काफी व्यू आ जाएंगे और आप इसको 10-15 दिन में देखेंगे तो बहुत ज्यादा व्यू आएंगे। तो वो ऐसा गलत दावा करते हैं। मैं नहीं कहता कि उन्होंने गलत बताया आपको, लेकिन आपके वीडियो देखने के लिए उन्होंने हेडलाइन बहुत गलत दी हुई है और बोला बहुत गलत है। क्या बोलते हैं कि आप केवल ये वीडियो में जाकर 2 सेटिंग कर लीजिए, मैक्सिमम आप टेक्स चैनल पर देखेंगे तो ये मिलेगी 2 सेटिंग कर लीजिए, आपका वीडियो वायरल होना ही होना है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपने किया भी होगा आपका वीडियो वायरल नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसे टेक्स चैनल वाले से होशियार रहे जो ये दावा करते हैं कि आपका यह वीडियो देखने के बाद आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। दोस्तों, अगर ऐसे वीडियो वायरल होने लगते केवल एक वीडियो देखने से तो वो अगला वीडियो क्यों लेके आते हैं इसी टॉपिक पे, फिर उसके बाद अगला वीडियो लेके आते हैं और उसी टॉपिक पे लगातार वीडियो बनाते रहते हैं कि अपना वीडियो कैसे वायरल करें, 2-4 व्यू आ रहे हैं तो क्या करें, 10-20 व्यू आते हैं तो आपको ये करना चाहिए। हर दिन कोई वीडियो लेके आते हैं और हर दिन दावा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी शंका का समाधान हो जाएगा, वीडियो वायरल हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे चैनल से आप बच के रहें। अगर कोई चैनल आप ये बार बार देख रहे हैं तो उस चैनल को फौरन ही देखना बंद कर दें, अनसब्सक्राइब कर दें उसके। दोस्तों, उनका बताने का तरीका तो सही है लेकिन आप तक पहुंचाने का तरीका गलत है। जो बता रहे हैं वो चीज तो सही है लेकिन एक ही सेटिंग कर लेने से, एक ही वीडियो पोस्ट कर लेने से आपका वीडियो वायरल होगा तो ऐसा नहीं होता। तो आज मैं एक सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ जो आप वीडियो अपलोड करते समय जो गलती करते हैं, उस सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप वो चीज आप देख लीजिए, कहीं ऐसा नहीं है आपके चैनल पर वो सेटिंग ऑटोमेटिक लगी हो, क्योंकि मैंने भी ये देखा है प्रैक्टिकल। तो इसके लिए आपको दोस्तों अपने YouTube चैनल के क्रोम वर्जन में जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप वर्जन में जाना पड़ेगा और डेस्कटॉप वर्जन पे आप अपना YouTube चैनल को ओपन कर लेंगे। आप जो भी वीडियो आपने स्टूडियो में अपलोड किया है, YouTube पर अपलोड किया है, अभी अनलिस्टेड होगा, तो उसको पब्लिश करने से पहले आप ही डेस्कटॉप पर जाएं और वहां पर अपना YouTube चैनल ओपन करें और वहां पर अपने मोबाइल कहते हैं अपने चैनल पे चले आए जो भी आपने वीडियो अपलोड किया है और उसको ओपन कर लें एडिट के ऑप्शन पर। ये आप सब लोग करते होंगे, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आप जब वीडियो अपना खोलेंगे तो वीडियो खोलने के बाद उसमें टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन कार्ड और आपका लास्ट एंड स्क्रीन के कई ऑप्शन आते हैं, वहां पे भी आप सब लोग भरते होंगे। अगर नहीं कोई चीज कालम आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, इसके बारे में बताऊंगा और टैग भी लगाते होंगे। दोस्तों, जब आप इसके नीचे आते हो तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप शो मोर ऑप्शन सबसे नीचे आएंगे। शो मोर, अगर मोबाइल पे आपने खोला है अपने यूट्यूब का अपना क्रिएटर स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन में, तो नीचे शो मोर का ऑप्शन आएगा, आप वहां पे क्लिक कीजिएगा तो उसके नीचे जब आप बढ़ेंगे तो वहां पे लिखा आएगा वीडियो लैंग्वेज। दोस्तों, मैक्सिमम लोग हिंदी पर हिंदी लैंग्वेज पे ही वीडियो बनाते हैं, हिंदी भाषा में बनाते हैं, लेकिन वहां पे ऑटो मोड में इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट होती है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। अगर आपके वीडियो पब्लिश करने से पहले वो भाषा आ रही है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट तो आप उसको फौरन हिंदी कर दीजिए, क्योंकि आप भाषा अगर वीडियो लैंग्वेज अगर आप यूनाइटेड स्टेट रखेंगे इंग्लिश की तो वो आपके ऑडियंस पर वीडियो पहुंचेगा नहीं। यूट्यूब है आपका
वीडियो ऐसे लोगों को आप पहुंचाएंगे जो कि आपकी भाषा ही नहीं जानते, तो वहां पे आपने हिंदी में वीडियो बनाया है तो आप हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपने अंग्रेजी में वीडियो बनाया है तो अंग्रेजी में वीडियो सिलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश भाषा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसके नीचे जब आएंगे तो उसमें लिखा होगा डिस्क्रिप्शन और टैग लैंग्वेज। आप डिस्क्रिप्शन में कौन सी भाषा लिख रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं, टैग में कौन सी भाषा आपने लिखी हुई है, हिंदी में लिखी है, अंग्रेजी में लिखी हुई है, आप दोनों भाषाओं को देखिए और आपकी जो जिस भाषा में आपने लिखा हो, टैग जो लगाए हो या आपने डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हो, जिस भाषा में लिखा हो वहां पे आप लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। अगर आपने हिंदी भाषा में डिस्क्रिप्शन लिखा है और टैग भी हिंदी भाषा में लगाए हैं तो हिंदी को सिलेक्ट करेंगे, और अगर इंग्लिश में आपने लिखा है तो इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसकी सेटिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर डिस्क्रिप्शन और टैग में अपनी भाषा का चयन यहाँ पर नहीं करेंगे वीडियो पब्लिश करने से पहले, तो आपका वीडियो सही लोगों पर नहीं पहुंचेगा, डिस्क्रिप्शन से आपके वीडियो की रैंकिंग नहीं बढ़ेगी, टैग में जो आपने लगाए होंगे वो भी सर्च में जल्दी नहीं आएंगे। आप इन दोनों सेटिंग कर लीजिए, इनको अपने चैनल पर अप्लाई कीजिए और उसे आप देखिएगा, रेगुलर लगातार करिएगा तो कुछ तो व्यू आपके बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही कारण है व्यू कम होने का। दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो जो कि आपको नहीं पता है YouTube चैनल में वीडियो वायरल करने के लिए और क्या क्या ट्रिक्स हैं, और आपको कोई डाउट है, हो सकता है कोई चीज आपको पता भी होगा लेकिन उसमें पूरी तरीके से श्योर नहीं है, तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपकी क्वारी का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।